इंडिया में आप कौन सी जगह में रहते हैं, कहाँ से? यूपी 46 उत्तर प्रदेश। हाँ उत्तर प्रदेश यूपी, सीधे इधर ही आए थे आप? हाँ इधर पहले बकरी में आए थे तो बकरी बेच दिया, अभी ऊँट का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कितना माश मिलता है? 3-4 करोड़ का ये ऊँट। अरे कुवैत में ये देखें, 3-4 करोड़ का ऊँट आप देख रहे हैं मेरे सामने। तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देखिए इमेजिन नहीं कर सकते कि ये आप एक दूर दराज जंगल एरिया में आए हुए हैं। आप आपको ऐसे ही लगेगा कि जैसे आप बहुत वेल सेटल जगह में आ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू स्टोरी बाय आसिफ। दोस्तों आज मैं मौजूद हूँ कुवैत के एक डेजर्ट एरिया में और यहाँ पर ऊँटों का बहुत बड़ा बाड़ा है, आप मेरे सामने देख रहे हैं। यहाँ पर मैंने आपके साथ एक्सप्लोर करना है कि ये लोग किस तरह ऊँट चराते हैं और यहाँ पर इन लोगों का कैसा रहन सहन है और कैसी ज़िंदगी है यहाँ पर। ज़्यादातर ये लोग जो हैं इनको चराने के लिए इंडिया, पाकिस्तान और सूडानी बाहर के लोग होते हैं जो यहाँ पर काम करते हैं और यहाँ रहते हैं, इनकी हिफाजत भी करते हैं और इनको चराते हैं। तो चलें जाकर मिलते हैं और बात भी करते हैं और आपके साथ तमाम चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। ये बैठे हुए हैं, इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, शो नगर खई के फिलहाल। अस्सलाम वालेकुम, हाँ भाई जान क्या हाल चाल है? अस्सलाम वालेकुम सर, और ठीक है सर, शो नगर कैसे हैं भाई जान आप? ठीक है, और करामत भाई? ठीक है भाई, आपका नाम करामत है ना? भाई मेरा नाम, इससे पहले बात हो चुकी है, आपने करामत नाम बताया ना, और क्या हाल चाल है? सब ठीक है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर आप ऊँट चराते हैं ना? हाँ ऊँट चराते हैं। और कितने साल हो गए आपको कुवैत में? 5 साल। 5 साल हो गया। तो कुवैत में आप, इंडिया में आप कौन सी जगह में रहते हैं, कहाँ से? यूपी 46 उत्तर प्रदेश। हाँ उत्तर प्रदेश यूपी से हैं भाई, तो बहुत अच्छा हुआ यार। तो यहाँ की क्या लाइफ है, आप कितने साल से ये कुवैत में? अभी आप बताया 4 साल? 5 साल। 5 साल, सीधे इधर ही आए थे आप? हाँ इधर पहले बकरी में आए थे तो बकरी बेच दिया, अभी ऊँट का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको कितना माश मिलता है? अभी तो 160 मिल रहा है। बहुत अच्छा माश है फिर तो। इंडिया का कितना हो जाता है? 42,000 हो जाता है। हाँ इंडिया का 42,000 हो जाता है। उधर हमें कितना, इतना तो नहीं मिलता, उधर तो हम तो 10-15 हज़ार ज्यादा ज्यादा कमा सकते हैं। बहुत ज्यादा हो गया। हाँ सही है। तो ये भाई मेरे साथ करामत भाई हैं, हमारे यूपी से हैं, इंडिया से। इनके साथ थोड़ा विजिट करते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर ऊँट कैसे रखे जाते हैं, ये कैसे इनकी हिफाजत करते हैं। चलें हमारे साथ। ये अभी मैं करामत भाई के साथ जा रहा हूँ, ये मुझे लेके जा रहे हैं वहाँ पर। यहाँ पर ये ऊँटों का ये जंगला सा बनाया हुआ है और वहाँ पर जाकर ये बताएंगे हमको कि ऊँटों को कैसे रखा जाता है, कैसे इनकी हिफाजत की जाती है, किस तरह ये लोग ऊँटों को पालते हैं। देखिए कितने प्यारे खूबसूरत ऊँट हैं यार, और इनको रखने के लिए एक ये जंगला सा बनाया हुआ है, जबकि हमारे इंडिया पाकिस्तान में ये चीज़ें इस तरह नहीं होती। वहाँ पर ऐसे ही बांध दिए जाते हैं और छोटा मोटा वो लकड़ी लकड़ी लगा के इनको रखा जाता है। तो ये क्या नाम है अपना, करामत भाई, ये जो जंगला है इसको क्या कहते हैं यहाँ पे? सबक। ये सबक अरबी का ना, अरबी में सबक बोलते हैं। तो ये ऊँट जो है ये कितना मतलब बच्चा देता है, कितना टाइम में ये? साल में एक बार एक बच्चा देते हैं। साल में एक बार। यहाँ कुवैत में ऊँट का क्या प्राइस कितना होगा, ये बिक्री करना हो तो आपको आइडिया है? बहुत ऐसा होता है, अगर बच्चा अच्छा निकल गया तो उसका मिलियन बिलियन दिनार हो जाता है। अच्छा एक एक ऊँट का मिलियन दिनार तक जाता है? अगर इसका अगर सही हो गया, जिसमें मौसम अच्छा हो गया। हाँ हाँ, तो इसकी पैसे की कमी, पैसा बहुत है इसका। हाँ मतलब ये यहाँ पर तो आपको पता है कुवैत में ऊँट को रेस में भी डालता है। हाँ। तो बहुत उसमें नाम रखा जाता है। तो अभी ऐसा है तो ये 500-600-700। अच्छा इसके ऊपर वो क्या काला काला जो आपने लगाया हुआ है कि ये क्या है, वो उसके जाली है? ये इसको ऐसा लगाया है कि वो मतलब वो उसका जो है ना। हाँ जी उसका चब्बी है ऊपर। हाँ हाँ हाँ, उसकी हिफाजत, धूप ना लगे उसको, लगे उसके अंदर बीमारी ना आए, थोड़ा मौसम बदलता है। हाँ हाँ हाँ, सेफ्टी के लिए है।
ठीक है। और अगर जब बारिश बहुत ज्यादा आता है तो फिर क्या किया जाता है? फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, खूब मजे लेते हैं इनको, बारिश ठंडी गर्मी इसको है। हाँ, ये मतलब ऊँट ऐसा सख्त जान जानवर है कि इसको ना इतनी ठंडी लगती है और ना ही इतनी गर्मी लगती है। ये देखें कैसे माशाल्लाह चाह रहे हैं। टोटल कितने ऊँट होंगे ये? 70 ऊँट। हाँ 70 ऊँट हैं। तो नहीं नहीं भाई, काटते नहीं, जब आपको इनसे मोहब्बत करोगे ना तो आपसे डबल मोहब्बत करेंगे। अरे बहुत प्यार करने वाला जानवर है। अरे बाप रे, हाँ ये इनका बड़ा क्या कहते हैं घर का, फैमिली का मेन हेड है, मेंबर, मेंबर, मालिक है। ये फैमिली का मालिक है जी, ये बड़ा देखें बच्चा है, ये सब जितने हैं ना ये सब छोटा छोटा बच्चा। यो सामने वाइट ऊंट। अरे यार ये ऊंट देखें, बोल रहे भाई साहब ये करामत भाई के, ये 15,000 दिनार का है। 15,000 बोलो तो इंडियन कितना हो गया, मोटा मोटा हिसाब लगाओ तो 3-4 करोड़ का ये ऊंट। अरे कुवैत में ये देखें 3-4 करोड़ का ऊंट आप देख रहे हैं मेरे सामने। इसकी क्या मतलब इसमें क्या ऐसा है जो इतना महंगा है? ये इसका भी जो ये नीचे लटक गया, ये हाँ ये हो गया, हाँ ऊपर हो गया है, और इसका जो चर्बी है ना, हाँ जी नीचे भी गया है। हाँ अभी ये बच्चा है। अच्छा ऊपर बहुत जाएगा। अच्छा जी, तो ये रेस के लिए भी खरीद सकते हैं, और इसको जैसे किसी को किसी ने ऊंट खरीदा, हाँ जी उसको अच्छा नस्ल चाहिए, हाँ तो ये बैर अगर वो ये मारता तो नहीं है, वो काटे नहीं पहचानता, नहीं को मार भी सकते। अच्छा ये रेस वाला ये ऊंट है? हाँ ये रेस वाला महंगा ऊंट। अरे यार कोई इतना, इसको जैसे रेस में दौड़ाना होगा तो उसको पतला करेंगे। हाँ। तो ये अभी बहुत अभी बच्चा है, 3 साल 3.5 साल का। जी 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 जी, ये देखें हीरा, कुवैत का हीरा ये। ये करामत भाई बता रहे हैं कि अगर इसको बटाना हो तो अल बल्ब है, उसको बोलते हैं एक एक, और खड़ा करना हो तो खड़ा करना हो गुम गुम, उसको बोल दो गुम गुम। मतलब हर इलाके हर एरिया की एक अपनी भाषा है, जैसे हमारे बोलते हैं होच होच, खड़े हो जाओ बैठने के लिए बैठ बैठ करते हैं, तो हर जगह में अपनी अपनी सकाफत है। और ये है कुवैत का खूबसूरत सहरा और खूबसूरत मनाजर जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, ब्यूटी ऑफ कुवैत, ब्यूटी ऑफ डेजर्ट। जो पीछे ना वो चला गया, इसका जो चर्बी वाला ऊपर जो होता है ना वो पीछे चला गया, इसका गर्दन थोड़ा ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया, इसको जो नोट है नीचे हो गया, हाँ। थोड़ी लंबाई हो गई जी, फिर इसकी पैसे की कमी नहीं है, जो इंसान जितना बोल दे उसकी कोई मतलब बहुत पैसा आ जाता है इसमें, 200-2 लाख दिनार का भी बिक जाता है। अरे अरे अरे, तो इंडिया का पाकिस्तान का तो बहुत पैसा हो जाता है, इतने महंगे। मैं अच्छा मेरा क्या एस्टीमेट था कि ये ज्यादा 1,000 दिनार में बिक जाता है। नहीं 1,000 का भी बिकते हैं, लेकिन जो अगर नहीं अच्छा तो काटने के लिए लेके जाते हैं तो 1,000 का बिकेगा। हाँ लेकिन दौड़ वाला दूसरा रेस वाला वो तो रेस वाला है, या उसको जैसे मोस्ट किसी ने खरीदा और तो उसको चाहिए अच्छा नस्ल का, तो ये लेके जाएगा तो उसका दाम बहुत हाई फाई होगा, क्योंकि उसका पूरा ऊंट अच्छा निकल आएगा जी, उसका भी दाम बढ़ जाएगा। सही सही। अच्छा दूध का इसका हर 2 घंटे के बाद इसका दूध आ जाएगा। कितना दे देता, कितना लीटर? अच्छा औस कितना मतलब लीटर एक दिन में होता है? एक दिन में कम से कम 12-13 लीटर आ जाता है, आराम से आता है। चरता ये यहाँ, ये यार ये देखे ना डेजर्ट में तो इधर सब्जा नहीं है, हमारे तो उधर ग्रीन ही होता है, सब्जा होता है, फिर भी देखें ये इसका क्या खाता है? इसमें एनर्जी है इसका, ये इसको क्या बालू बोलते हैं ना, बालू, हाँ हाँ इसमें इसका एनर्जी है, जी जी ताकत है ये बालू। ये देखें ये उठनी, दोस्तों करामत भाई बता रहे हैं कि ये एक दिन में 12-14 किलो दूध जो दे देती है आराम से, और आप 2 घंटे के बाद इसका जो दूध है वो आराम से निकाल सकते हैं। अच्छी नस्ल के कुवैत में ऊँट हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में इतने अच्छे ऊँट नहीं देखे। 2 घंटे के बाद निकाल सकते हो? हाँ ये देखें ये ऊँटनी हर 2 घंटे के बाद 3 किलो दूध देती है, माशाल्लाह। ये देखें ये क्या लगाया हुआ है? ये यू मतलब इसका क्या? इसका एक निशानी होता है, ब्रांड कह लो, निशानी कह लो, या कुछ अपना एक चिन्ह होता है ना। हाँ जैसे इसको बेचेगा चोर लेके जाएगा,
हाँ वो उसके निशानी कटवाएगा कहीं बेचेगा तो उसमें मशीन लगता है हाँ, तो उसका नाम लिख के आ जाएगा कि फला के नाम से ऊंट है। शनाख्त है इसकी एक मतलब एक और बनी हुई है। वो देखे कितने लाइन से देख रहे हैं हम सबको, ये छोटे बच्चे हैं ना ये ये करामत भाई कितने कितने साल के होंगे आपके हिसाब से? ये अभी 5 महीने 5 महीने। और वैसे कोई इसकी जो ऊंट है इसकी उम्र कितना होता है आइडिया से? 10 साल 20 साल जल्दी मर जाता है या 30 साल होता है 20 साल होता है? हाँ लंबी उम्र है ये बीमार है इसके। अच्छा जी देखें इधर और भी एक चीज है कि ये ऊंट बीमार है बता रहे हैं अपने करामत भाई, तो उसकी वजह से इसको इसका अलहदा एक कमरा बनाया हुआ है, अलहदा गुरफा बनाया हुआ है, एक सेपरेट रखा हुआ है ताकि वो दूसरे जो सेहतमंद ऊंट है उसके साथ ना बैठे। बीमार मतलब इसको क्या कोई खास बीमारी है क्या? बीमारी कोई नहीं है, खाना ज्यादा खा लिया है। हाँ पेट खराब हो गया खाना ज्यादा खा लिया जी। हाँ सही। और दोस्तों ये भी मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये जंगल है पूरा, आपको देखें दूर दूर तक आबादी नजर नहीं आएगी, डेजर्ट एरिया है। और यहाँ पर एक प्रॉपर सिस्टम है, ये देखें ऊँटों को पानी पिलाने के लिए ये एक टैंकर है, ये भर के लेके आते हैं सिटी एरिया से। यहाँ पर बहुत अच्छा सिस्टम है, एक पंप वगैरह लगे होते हैं वहाँ से ये इसको फुल करते हैं, टैंकर को फुल करने के बाद ये पाइप लगा हुआ है, पाइप से ये पानी आता है। और इसको भी देखें कितने अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है, इतनी गर्म एरिया में भी पानी का उन्होंने एक प्रॉपर सिस्टम रखा हुआ है। जैसे हमारे रोही में टोबे वगैरह होते हैं वो तो डिपेंड किया जाता है ना कि बारिश होगी तो पानी मिलेगा, नहीं तो जानवर भूखे प्यासे मर जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं है, यहाँ पर बारिश होती भी नहीं है, बहुत कम बारिश होती है सालों में, साल में कोई एक आध बार बारिश होती है, लेकिन फिर भी एक सिस्टम है, प्रॉपर तरीका है, हर चीज़ एक मेंटेन की हुई है ताकि जानवर आराम से रह सकें। और ये देखें वो एक ट्रक जो मैं आपको टैंकर दिखाया पानी के लिए इस्तेमाल होता है, और ये जो ट्रक है इसके अंदर इनका एक स्टोर है, दाना जिसको जिसके अंदर दाना जो रखा जाता है, चारा रखा जाता है ताकि ऊँटों को खिलाया जा सके। और इसी तरह ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये रूम सा बना हुआ है, ये इन लोगों के रहने की जगह, बल्कि ये अंदर एक इनका किचन टाइप है, किचन है वो बनाया हुआ है। और वो सामने जो बड़ा ट्रक खड़ा है और ये सोते हैं रात को रहते हैं, और इनकी अपना एक बारिश आ जाए कभी बाई चांस कोई आंधी तूफान आ जाए और अंदर प्रॉपर एक सेफ्टी है, सेफ्टी के साथ ये लोग रहते हैं बैठते हैं। और अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ देखे ये ट्रक के अंदर भी इन्होंने कितना खूबसूरत एक सिस्टम किया हुआ है, घर से भी अच्छा माहौल के अंदर एसी लगाए हुए हैं, ये खिड़कियां भी, और जहां कहीं इन्होंने अपना एक मूव करना हो एक एरिया से दूसरे एरिया की तरफ तो आराम से ये मूव कर लेते हैं, इनको टायर लगे हुए हैं। और ये एक जनरेटर भी रखा हुआ है इसके अंदर, मुझे लगता है ये जनरेटर होगा, मैं खोल के दिखा देखें, ये देखें जनरेटर का सिस्टम है, पेट्रोल में होगा ये, और पेट्रोल यहाँ पर बिल्कुल सस्ता है, इजी आसानी से दस्तयाब हो जाता है। हाँ ये है कुवैत का एक ऊँटों का सिस्टम कि किस तरह यहाँ पर ऊँट पाले जाते हैं, किस तरह ऊँटों को रखा जाता है, और यहाँ पर जो ऊँट पालते हैं उनकी क्या लाइफ है वो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये अंदर वाली साइड, ये मैं अभी अंदर से भी ट्रक दिखा रहा हूँ, कितना खूबसूरत आप हैरान हो जाएंगे, इतना खूबसूरत सिस्टम है ये इनका, देखें वॉशिंग रूम
ये एक छोटा सा किचन, इसके अंदर फ्रिज भी है। देखें फ्रिज में हर चीज इन्होंने रखी हुई है अपने इस्तेमाल की। और इसी तरह और आगे जाएं तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह, देखें इमेजिन नहीं कर सकते कि आप एक दूर दराज जंगल एरिया में आए हुए हैं। आपको ऐसे ही लगेगा कि जैसे आप बहुत वेल सेटल जगह में आ गए। यहाँ पर एसी भी है, हर चीज है। आपको देखें कायदा प्रॉपर, इतना खूबसूरत रूम हमारे घरों में भी नहीं होता। हमारा जो लिविंग रूम होते हैं जैसे हमारे मुल्कों में, देखें शाम को यहाँ पर बैठकर कोई गेस्ट आता है, दोस्त आता है या कुवैती आते हैं तो अपना बैठकर यहाँ पर चाय शीशा अपना बातचीत करते हैं अपने माहौल के मुताबिक। ये था अंदर का एरिया, एक ये गुरफा देखें। यहाँ से अभी फिर मैं वापस बाहर उतर रहा हूँ। दोस्तों ये 70 ऊंट है यहाँ पर। इन ऊंटों को संभालने के लिए यहाँ पर दो बंदे हैं, एक वो सडान का और एक हमारा ये भाई इंडिया से जिसने हमारे साथ कॉपरेट किया और ये पूरा हमको विजिट कराया। जी तो करामत भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें विजिट कराया यहाँ पर और इतनी मालूमात दी। हाथ ला दें कैमरे में और बोल दें कि भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हाँ भाई, सब्सक्राइब कर दो और फॉलो भी कर दो। हाँ। भाई का सपोर्ट करो यार, अपना भाई है यार। वेरी गुड, तो ठीक है फिर करामत भाई, बहुत शुक्रिया है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखें और देखते रहें स्टोरी बाय आसिफ।